के में एक छोटे से रिव्यू के साथ आपके साथ ये है टोटा यास जी टेन कहते हैं जी वन पॉइंट जीरो कहते हैं नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स सी सी की कार है और ये प्रैक्टिकली जो है उसकी विट्स की रिप्लेसमेंट है विट्स हैज बिन डिसकंटिन्यूड और उसकी जगह पे यास जो कि पहले से चल रही थी उसको रिटेन किया है टोयोटा ने और जे डी एम है ऑब्वियसली और हैच uh, पैक uh, है यहाँ पे पाकिस्तान में ये आर एस जो है वो उसके बाद डिग्गी लगी हुई है ये हैचपैक है तो क्विकली uh, हम uh, सबसे पहले इसका स्टेरिंग कन्वेंशनल शेप गोल थ्री स्कूप लेफ्ट और राइट right साइड के ऊपर इसके कंट्रोल्स हैं लेफ्ट साइड के ऊपर इसके मल्टी मीडिया और स्पीकर स्पूकर और कॉलिंग और राइट right साइड के ऊपर लेन असिस्ट और uh, इस छोटी सी फजूल सी स्क्रीन को यूटिलाइज करने के कुछ कंट्रोल हैं इंस्ट्रूमेंट अच्छा नहीं सॉरी स्टेयरिंग की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी गर्थ यानी कि मोटाई बड़ी मज़दार है यानी कि आपको बिल्कुल इसको इसको इसके ऊपर कोई और चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं आमतौर पे पतले पतले स्टेयरिंग होते हैं तो नहीं ये ठीक ठाक मोटा स्टेयरिंग है और सॉफ़्ट टच है सॉफ्ट नरम है नरम नरम ठीक है जी यहाँ पे इन्होंने क्रोम अल्लाह का शुक्र है नहीं दिया इधर 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 वो पता नहीं मुझे तो बुरा लगता है क्रोम बहुत सारे लोगों को पसंद भी होगा और उसमें एक और इश्यू होता है कि वो उतर जाता है ठीक है जी अब हम चलते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर या स्पीडोमीटर की तरफ ये चूँकि एक्स वेरियंट है इसके अंदर मैनुलडलों वाले सुइयों वाला स्पीडोमीटर है और जो कि अच्छा है बीच में इसकी इंफॉर्मेशन क्लस्टर है जो कि एक रंगीन सी एल सी डी है एक मिनट रुकी मैं ऑन करता हूँ तो आपको इसके रंग नज़र आ जाएंगे ठीक है जी और बहुत बड़ी नहीं है बहुत छोटी भी नहीं है जिसने प्रीमियो चलाई है या जो टोयोटा की जो जापनीज़ गाड़ियाँ हैं वो चलाते हैं तो ये वही डिज़ाइन लैंग्वेज है बीच में जो कि यहाँ पाकिस्तान में जो यासर है उसके अंदर एक बड़ा सा उन्होंने कप्पा लगा के और स्पीडोमीटर के बीच में काट दे के बनाई हुई है उससे ये मुझे बेहतर लगती है पता नहीं मैं ओल्ड स्कूल पुरानी तर्ज की चीज़ों का शौकीन हूँ तो मुझे ये ज़रा बेहतर लगती है बिल्ड क्वालिटी और इनकी लिखाई और इनकी बत्ती और सारा कुछ काफ़ी ब्राइट है आ, तो मुझे इससे कोई कंप्लेंट आज सच नहीं है कंपेयर करें अगर सुजुकी स्विफ्ट के मीटर से तो सुजुकी स्विफ्ट का मीटर इससे डेफिनेटली बेहतर है इसके जो जी ग्रेड है इसे अपर वेरिएंट या वर्जन जो गाड़ी का है उसके अंदर ये खप्पे जो गोले हैं टिकॉमीटर और स्पीडोमीटर के ये छोटे छोटे हैं थोड़े से साइड पे हैं और डिजिटल हैं वो नहीं है डिजिटल से मरा उसके अंदर डिजिटल नंबर चलते हैं तो वो मुझे पसंद नहीं है उनका लेआउट पसंद है लेकिन ये खप्पे उस तरह से पसंद नहीं है ठीक है अब हम उपर, आ जाते हैं डैशबोर्ड के ऊपर डैशबोर्ड पे जा बजा हर जगह प्लास्टिक ही यूज़ हुआ हुआ है हार्ड प्लास्टिक है उस पर टेक्स्चर है और ये एक सिल्वर सी लाइन चली आ रही है आप देख रहे हैं ये यह यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये इसके अंदर एक एक्सेंट एक दे रही है जो अच्छी लग रही है आ, इसकी जगह के ऊपर अगर ये बत्ती देते तो क्या बात थी लेकिन ये ये एक ना व्यात सा काम कर रही है टोयोटा बड़े अरसे से एक ये कान सा लगा देती है जिसको स्क्रीन बोलते हैं डैशबोर्ड के सेंटर के अंदर ऊपर करके ये पता नहीं इन्होंने ऑडी से सीख लिया है और लेकिन ऑडी का फ्लैश हो जाता है इसका बाहर निकला हुआ ऐसा लगता है लहदा से किसी ने चीज़ रखी हुई है इसके ऊपर और अदरवाइज़ ये जो इसकी इन हैंड इनहैन डबिल्ड औरगेनिकसी ये स्क्रीन है ये बिल्कुल फजूल है आवाज़ अच्छी है लेकिन स्क्रीन फजूल है दोबारा इसके ऊपर भी मेरा एतराज़ है कि वो ए सी के जो वेंट है वो इस स्क्रीन के नीचे छुपाई हुई जगह के ऊपर अंदर दे दी है इसको ऊपर करें तो सारी हवा तो ऐच जाएगी ये सामने तक तो आएगी नहीं लिहाजा ये मेरे ख़्याल में कोई वहाँ पे मेरी तरह का डिज़ाइनर बैठा हुआ था जिसने उनको मशवरा दिया कि इनको इसके अंदर छुपा के बना दो तो ये भी एक फजूल चॉइस है ए सी के कंट्रोल्स हैं जिस तरह यहाँ टोयटा में आते थे या या यासर के अंदर हैं उसी तरह के इसमें कोई ख़ास चीज नहीं है विट्स से बहरहाल हाल ये जगह इन्होंने बहुत इम्प्रूव किया मतलब विट्स के अंदर यहाँ पे एक नीचे एक छोटा सा वो डब्बा सा बना होता था उसमें एक टुंगनी सा गेयर बाहर निकला होता था और वो लेकिन अब ये ना थोड़ा सा कार टाइप को लेआउट इसका कोई मज़ेदार सा लगता है कि यार चलो ठीक है कोई गाड़ी है अच्छी है ठीक है एक गेयर नॉब भी थोड़ी सी बेहतर की है ऑल दो वो टुगना सा ये देखें ये इसके अंदर थोड़ा सा है लेकिन फिर भी चलो ठीक है सही है इस जगह के ऊपर जिस शुरू की स्विफ्ट के अंदर या और गाड़ियों के अंदर है वो लेदर का वो दे देते दे तो बहुत अच्छा खूबसूरत लगता थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करता डिज़ाइन को वो इतने पैसे भी नहीं लगने थे यू का चार्जिंग के लिए इन्होंने पोर्ट दे दिए है यहाँ पुश स्टार्ट मौजूद है इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे दोबारा आप देखें डिज़ाइन ये इधर इसकी बत्तियाँ ऊपर नीचे करने और बाकी जो फंक्शन हैं उनके कंट्रोल्स हैं ठीक है और ये आप देखेंगे ये अब समझ नहीं आती ये जो है ना इस हैंडल है नहीं तो हैंडल इस तरह होता था अब उन्होंने यूं करके हैंडल कर दिए है और ये खप्पा ऊपर लगा दी तो ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है इसकी बहुत अच्छी है इसमें कोई शक नहीं है लेआउट्स थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट कर दिए हैं तो वो शायद अभी समझने में मुश्किल आ रही है लेकिन मेरा ख़्याल है कि इससे बेहतर किया जा सकता था यहाँ पे इन्होंने जगह दी हुई है चीज़ें रखने की काफ़ी खुली जगह है और ग्लव बॉक्स जिसे बोलते हैं आप रख सकते हैं चीज़ें इसमें लेकिन मुझे जो है ना एतराज़ है मेरा ख्याल है इससे बेहतर डिज़ाइनिंग हो सकती थी इसकी मटीरियल बहुत अच्छा है इसमें कोई शक नहीं है दरवाज़ों की जो ट्रेम्स हैं यहाँ पर कपड़ा लगाया हुआ है जो कुछ अरसे के अंदर ज़ाहिर है ये देखें यहाँ पे इस कपड़े पे आपको निशान नजर आ रहे होंगे चूँकि ये चली है ऑब्वियसली गाड़ी जापान के अंदर तो ये निशान आएंगे दूसरा काले रंग का इंटीरियर है काले रंग के ऊपर हल्के से स्क्रैच लगे वो अंदर से विजिबल होता है इवन इसकी भैया छत भी काले रंग की है आप देख रहे हैं छत भी काले रंग की है ये बड़ा स्टाइलिश सा इन्होंने डिज़ाइन इसका बनाया हुआ है ऊपर छत के अंदर ये जो आगे रीडिंग लैम्प्स या इंडिविजुअल लाइट्स इसके बीच में एक ये एस ओ एस का बटन है ये मुझे नहीं समझ आती ये ऐसा लगता है जैसे जहाज़ जा, जा, जहाज़ के अंदर ना कोई फायर आर्मिंग कंट्रोल का या कोई इस तरह का स्विच हो जैसे दबाएँ तो पता नहीं क्या हो जाएगा इसके ऊपर इन्होंने इसे बंद करके रखा हुआ है तो ये सिलसिला है जनाब और शीशे के अंदर जो है ना यहाँ पे आ, जो सन वाइजर है उसके अंदर इन्होंने शीशे दिए हुए हैं ये अच्छी चीज़ है यहाँ पे ऑटो डिमिंग नहीं है ये मैनुअल है और बाकी इंटीरियर की बिल्ड क्वालिटी मैंने आपसे शेयर कर दी सीटें बहुत कंफर्टेबल हैं फैब्रिक अच्छा नहीं है लेकिन कुशनिंग बहुत अच्छी है सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल हैंड ब्रेक इज़ कन्वेंशनल यहाँ पे ठीक है पाँव के अंदर नहीं है इस जगह के ऊपर है और अब इन्होंने इसके अंदर इको मोड दे दिया है जो कि बड़ा इफ़ेक्टिव है मतलब मैंने यूज़ करके देखा है फ्यूल uh, एवरेज के अंदर टू टू थ्री किलोमीटर्स लीटर का फ़र्क पड़ जाता है और इसे बंद करते हैं तो गाड़ी की पिक भी काफ़ी आई वुड से अराउंड फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज हो जाती है इंजन uh, ट्यूनप भी uh, फ़र्क हो जाती है और गेयर की रेशो भी फ़र्क हो जाती है ठीक है जी पीछे अगर हम आए तो पीछे लेग uh, स्पेस ठीक है जितनी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं विड्स जितनी ही है और uh, सीटों का सीटों की क्वेश्चनिंग बहुत अच्छी है विट से मुझे ए, सिटिंग पोस्चर पीछे का इम्प्रूव लग रहा है फ्रंट स्क्रीन काफ़ी खुली है लेकिन ये ए पिलर फिर भी अभी मुझे लगता है थोड़ा सा मोटा है छः एयरबैग हैं इस गाड़ी के अंदर जो कि जापानी गाड़ियों के अंदर आमतौर पे अब आते हैं एज ए स्टैंडर्ड ठीक है जी Uh, <coughs> दरवाजे की कोशिश पे भी बात हो गई हैंडल्स इधर इसके छुपे हुए क्रोम इनके ऊपर नहीं है अच्छी बात है बाकी ये रिट्रैक्टेबल मिरर्स एंड ऑटो वाली कहानी है तो सब के अंदर मौजूद होती है हाँ इसके अंदर ऑटो हेड लेप्स आते हैं ऑटो के ऊपर कर दें तो रात को ख़ुद ही ऑन हो जाते हैं आगे अंडे मौजूद हैं लेकिन अंडे जो है ना वो पीले रंग के हैं सफ़ेद बत्ती यानी एलईडी लाइट नहीं है उसके अंदर ठीक है जनाब तो ये हम अब इंटीरियर को समराइज़ करते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे इसकी एक्सटीरियर पे और मैं आपको इसकी फ्यूल एवरेज भी बताऊंगा तो जनाब सामने से जो यारस है वो बड़ी एग्रेसिव लुकती है बड़ी सी की ग्रिल है और बड़ी जिसे कहते हैं ना नाराज नाराज सी इसकी आंखें हैं आप देखें तो ये एक्वा से इसकी काफ़ी रिजम्बलेंस है सामने से फ्रंट से एग्रेसव लुकिंग कार है और स्टेटमेंट है साइड प्रोफाइल इसका जो है मुझे कोई इतना ख़ास पसंद नहीं है फेंडर्स जो है वो उसकी लाइंस बड़ी वाजे हैं पीछे जो है एक अदर इन्होंने पिछले पहिए के ऊपर एक बल्ब सा दिया हुआ है वो भी मुझे कोई इतना अपील नहीं करता अब साइड से ठीक ही हैं डोर ट्रेम्स ठीक ही हैं इसकी कोई गार्निशिंग नहीं है पीछे की तरफ अगर आप आएँ तो इन्होंने डिग्गी दि, के ऊपर लिड के ऊपर जो है ना एक प्लास्टिक का एक दिया हुआ है जो कि अगर टकराएगा तो टूट जाएगा और एडिशनल खर्चा पड़ेगा बत्तियाँ बड़ी छोटी छोटी सी हैं और एंग्री लुकिंग बत्तियाँ हैं तो एज सच गाड़ी की प्लेजेंट सी अपील है इंजन कंपार्टमेंट अगर देखेंगे ना तो ये बहुत कंजस्टेड है इंजन भरा भरा सा है हर तरफ कोई मतलब पाइप वइप फिर रहे हैं जो बुरी चीज़ है इसके अंदर इसके सामने प्लास्टिक की पट्टी चल रही है जो टूट सकती है थैंक यू अच्छा जी कमिंग टू इट्स एवरेज अठारह इशारिया सात मुझे दे रही है जिसके अंदर ये काफ़ी देर गाड़ी खड़ी रही है और स्टार्ट रही है और जनरली ये मुझे ना तकरीबन 20 के करीब 20 के अराउंड जो है ना शहर में ये देती है गाड़ी अभी अठारह शारी सात की फिगर आपके सामने है तो एक्सपेक्ट कीजिए कि अगर आप लाइट फुटेड आराम से गाड़ी ड्राइव करेंगे तो ये आपको एनीथिंग बिटवीन 18 20 21 भी वन टच कराएगी और अगर 110 सौ के पी के ऊपर आप चलाएंगे रिंग रोड के ऊपर तो ये गाड़ी आपको बड़े आराम से 22 से 23 किलोमीटर से लटर देगी इंजन इसका बहुत इम्प्रूव किया है टोयोटा ने ऑल दो है थ्री सिलेंडर वाइब्रेशन थोड़ी सी कंट्रोल की हैं ग्राइंडर की आवाज़ थोड़ी सी कम आती है इसके गेयर की मैरिज अच्छी है और फ्यूल एफिशेंसी कंसिडरबली इंक्रीज़ की है वट्स की नस्बत मेरे ख्याल में अराउंड ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट ट्वेंटी फाइव टू थर्टी अगर डिपेंड डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग स्टाइल तो ये इसकी फ्यूल एवरेज के बारे में हो गया